नहीं, एडिट वगैरह नहीं करना होता आपको? देखिए मनीष सर हैं, मनीष सर हैं, ये आए हुए हैं एग्जाम रिव्यू करने। सर कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का जो आप एग्जाम रिव्यू किए थे? बहुत अच्छा रहा, स्टूडेंट लोग का जो है काफ़ी अच्छा यहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है। और क्वेश्चन जो है यहीं से ही सबसे पहले जेन्युइन आ पाता है, क्योंकि हम लोग एग्जाम सेंटर से ही डायरेक्ट लाइव करते हैं, तो यहाँ से जो है जेन्युइन रियल क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है सर। अच्छा से आ रहा है। और आप कहाँ गायब हो गए थे सर, दिखाई नहीं दे रहे थे सेंटर पे? गायब कहाँ हो जाएंगे, स्टूडेंट का ही बीच में थे, थोड़ा सा पढ़ाने के लिए चले गए थे, उमंग स्टडी के सनो सर के साथ थे, धनबाद में थे तो वहाँ से पढ़ा रहे थे, और यहाँ से भी अब आ गए पटना से, अब अपना यहाँ से आ गए। देखिए सभी बच्चे अब आ चुके हैं, ये लोग देंगे। साइंस के लिए क्या करें बच्चे, थोड़ा सा आप बता दीजिए, जिन बच्चे का अभी एग्जाम आज थर्ड शिफ्ट में है या कल है या परसों है या आने वाले समय में, वो साइंस के लिए क्या करें? ये साइंस के लिए देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन आपका जो ऐसा आ रहा है ना साइंस का, कुछ क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपका पारा के बाहर है, उस क्वेश्चन को अभी हम सीधा कहेंगे कि आप लोग दिमाग में मत रखिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है जैसे 14-15 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो कि आपका पैटर्न रिपीट कर रहा है। हम क्वेश्चन का बात नहीं करें कि आपको छपा छपाया नहीं मिलेगा, वैसा किसी चीज़ का नहीं रहा है, कुछ पैटर्न आपका जैसे आपका दर्पण वाला हो गया, हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर आपका लेंस वाला देख रहा है, फिर तीसरा नंबर आपका ओम्स लॉ से हर एक शिफ्ट में वी इक्वल टू आई आर से जा रहा है, फिर आपका प्रतिरोध वाला आर इक्वल टू रो इंटू एल वाई ए यहाँ से आपका हर एक शिफ्ट में रह रहा है, उसके बाद आपका सीरीज कनेक्शन में श्रेणी क्रम में है रेजिस्टेंस आपका यहाँ से रह रहा है, फिर अभी आपका 3-4 क्वेश्चन जो है ना, और हाँ एनसीईआरटी का आपका लाइन बाय लाइन मिल रहा है, उसके बाद आपका केमिकल रिएक्शन जो देख रहा है, तो पैटर्न को 14-15 क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपका सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो बस उसी टाइप का क्वेश्चन को अगर आप 10-20 बना लीजिएगा तो आप साइंस में कम से कम कुछ नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और डिमोटिवेट आप लोग बिल्कुल भी नहीं हो, इस बार जो आप लोग देख रहे हैं पेपर का लेवल खुद ही ऑटोमेटिक थोड़ा बढ़ चुका है, तो ज़्यादा जो है ऐसा मत सोचिए कि होगा या नहीं होगा, आप अपना बेस्ट दीजिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए, नेगेटिव चीज़ से जो है बिल्कुल भी दूर रहिए, आगे क्या नहीं होगा क्या होगा वो सब हटाइए, और इस बार कैसे भी करके आप ऐसा सोचिए कि इस बार हमको लेना ही है और इस बार होगा। एग्जाम टूर के व्यूअर को क्या कहिएगा? एग्जाम टूर के सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपने चैनल पर मौका दिया आपने बोलने के लिए, और जो भी इनके चैनल है बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, और जितने भी यूट्यूबर हैं आप लोग के सेंटर से हम लोग सीधा जो है एनालिसिस करवाते हैं और आपको जेन्युइन क्वेश्चन जो है पहुँचाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।